हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल गौरव। और आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ 59 ऐप्स चाइनीज जो कि बैन हुए हैं इंडिया में। और गाइस, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 29 जून को चाइना के 59 ऐप्स बैन हो गए थे, इंडिया ने बैन कर दिए थे। उसमें से पहला जो कि मोस्ट पॉपुलर ऐप था वो का टिकटॉक, ठीक है। दूसरा था शेयर इट, तीसरा यूसी ब्राउज़र, फिर कैम स्कैनर, फिर क्वाय, फिर बाइडू मैप, फिर शीन, फिर क्लैश ऑफ किंग्स, डी यू बैटरी सेवर, हेलो, लाइकी, यू कैम मेकअप, एम आई कम्युनिटी, सी एम ब्राउज़र्स, वायरस क्लीनर, एपस ब्राउज़र, रॉमी, क्लब फैक्ट्री, न्यूज़ डॉग, ब्यूटी प्लस, वी चैट, यूसी न्यूज़, क्यू क्यू मेल, वीबो, जेंडर, क्यू क्यू म्यूजिक, क्यू क्यू न्यूज़ फीड, बीगो लाइव, सेल्फी सिटी, मेल मास्टर, पैलर स्पेस, एम आई वीडियो कॉल, शॉमी, वी सिंक, ई एस फाइल एक्सप्लोरर, वीवा वीडियो, ई एस फाइल एक्सप्लोरर की आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी कि कैसे रैम बढ़ाया जा सके मोबाइल की, ठीक है। और न्यू वीडियो स्टेटस, वीगो, डी यू स्क्रीन रिकॉर्डर, वॉल्ट हाइट, कैचे, डी यू क्लीनर, डी यू ब्राउजर, हागो प्ले विद न्यू फ्रेंड्स, कैम स्कैनर, क्लीन मास्टर, वंडर वाटर, वंडर कैमरा, फोटो वंडर, क्यू क्यू, वी मेट, स्वीट सेल्फी, बायडू ट्रांसलेट, वी मेट, क्यू क्यू इंटरनेशनल, क्यू क्यू सिक्योरिटी सेंटर, क्यू क्यू लॉन्चर, यू वीडियो, वी फ्लाई स्टेटस, मोबाइल लेजेंड्स एंड डी यू प्राइवेसी। ये थे कुछ 59 ऐप्स जो कि इंडिया ने चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया। तो गाइस देखिए, मोस्टली क्या था कि इनसे क्या है, बहुत ही सही इंफॉर्मेशन जो थी वो चाइनीज़ को जाती थी, ठीक है। इससे आपका लोकेशन, आपका आईपी एड्रेस, वीपीएन एड्रेस, हॉटस्पॉट, वाईफाई, आप कौन से कनेक्ट कर रहे हैं, आपका लोकेशन का, आप कहाँ जा रहे हैं, वो सब जाता था टिकटॉक से, जो कि मोस्ट पॉपुलर था। तो इसे बैन कर दिया गया है। तो उसकी जगह आपको बहुत ही सारे नए भी ऐप्स मिल जाएंगे। तो उसमें से जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो देखिए गाइस, मेनली इसका क्या था अगर देखा जाए तो बैन करने का, देखिए गवर्नमेंट ने 59 ऐप्स बैन किए थे, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सच एज टिकटॉक, हेलो, वी चैट, कैम स्कैनर, शेयर इट, यूसी ब्राउज़र, वीवा वीडियो, 360, ड्यू बैटरी सेवर और बहुत ढेर सारे थे, ठीक है। अब ये किस लिए था, टू थ्रेट पोस्ट बाय द दिस एप्लीकेशन टू द कंट्रीज सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी, इट इज सेड इन प्रेस रिलीज डेट ऑन मंडे, मीन्स ताकि कंट्री की सिक्योरिटी को थ्रेट को भगाया जाए और सिक्योरिटी रखी जाए, ठीक है, जो कि पर्सनल डेटा जो जा रहे हैं इन ऐप्स के जरिए चाइना को, ठीक है, तो वो सब ना जाए, ठीक है। उसके बाद फॉर सो मेनी आर दीस ऐप्स बट अर्निंग हायर प्रॉफिट, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा इंडिया और चाइना का ट्रेड, मीन्स इंडिया चाइना को कितना फ़ायदा होता था इस टिकटॉक ऐप से, चाइनीज ऐप से, ठीक है। और earning the needs of the citizens of the India, but now it's a time to change or finish the dominance of the China in field of technology through digital surgical strike and made in India campaign, ठीक है। means अब जो भी apps बनेंगे, जो भी apps चलेंगे वो सब made in India ही होंगे, ठीक है guys। तो जैसे कि made in India campaign PM नरेंद्र मोदी जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने लॉन्च किया है, और रिस्पॉन्सिबल ऑफ द सिटीजन कैन इंस्टॉल मेड इन इंडिया ऐप्स फ्रॉम प्ले स्टोर एंड दीज ऐप, एंड दीज ऐप्स टोटली फ्री एंड इंडियन, ठीक है। जो अरे ये पूरे ऐप्स आपके फ्री भी होंगे और प्ले स्टोर पे इजीली आपको मिल जाएंगे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी होंगे, ठीक है। सर्जिकल स्ट्राइक इज नॉट अ पॉसिबल विदाउट क्रिएटिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव दिस चाइनीज ऐप्स एंड मेड इन इंडिया ऑल्टरनेटिव ऑफ चाइनीज ऐप, देखिए तो मीन्स इसका क्या है, देखिए चाइनीज ऐप जो थे बहुत ढेर सारा इन्फॉर्मेशन जो कि आपको पता भी नहीं होता था वो सब जाता था चाइनीज ऐप्स के, चाइनीज को, ठीक है। तो ये सब मतलब पर्सनल चीज़ आपकी जा रही, ठीक है। तो इससे इसलिए इसको सिक्योरिटी के लिए, पर्सनल प्राइवेसी के लिए इसे रखा गया, इसे बैन कर दिया गया, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि कौन कौन से नए ऐप्स आए हैं जो कि इनकी जगह रिप्लेस हो गए, मेनली टिकटॉक और ब्राउज़र की जगह, ठीक है, मीन्स उनकी जगह कौन कौन से ऐप्स रिप्लेस हुए। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बी सेफ एंड